नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी यहाँ मौजूद हूँ शंकुशाही रोड नंबर 1 में। यहाँ पर एक बार फिर से मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया जा रहा है। जियो का यहाँ पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा खाली ज़मीन पर, जिसका बस्तीवासी एक बार फिर से विरोध करने के लिए उतर आए हैं। विरोध काफ़ी उग्र है, तो चलिए हम बातचीत करेंगे बस्तीवासियों से भी और यहाँ मौजूद दंडाधिकारियों से भी, और जानेंगे इस पूरे विरोध के पीछे की वजह क्या है और किस तरह से जिला प्रशासन द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा। तो देखिए मेरी यह रिपोर्ट। दीपावली का टाइम में भी वही हुआ, अभी ये लोग बोल रहे कचरा हटाया जा रहा है क्या? देखिए दीपावली का टाइम में जब जब पर्व होता है, देखिए तबरी छठ आया तखनी बोले कि नहीं बैठाने देगा, सब चल गया लौट के, अफियान अभी आ रहे हैं। इसलिए हो रहा तो हमारा सनी गया बन्ना गुप्ता पास, तो बन्ना गुप्ता बोला कि हम यहाँ पर आप सनी नहीं चाहते हैं तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठने कोई कोई मत पर नहीं बैठने देंगे। तो हम आज खूनी कर रहा, तो सब उसने ढकला, पुलिस उलिस सब ढकेल ढकेल का हटा रहा हमरा सनी का कि हटिए यहाँ से, थाना ले जाएंगे, कागज दीजिए। कागज जकरा है, जकरा पास कागज पत्र है वो थाना गया, अरे शादी में गया है। यहाँ जरी को जगह है, ठनका गिरेगा कुछ होगा तो रिक्स लेगा टावर वाला, टावर ले करेगा सबका। इतना घर में यहाँ पर आग लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो करेगा, लेगा वो ठनका वाला, लेगा जमीन वाला है, तखनी डंटा लेकर आएगा बुताने के लिए, वहाँ से भेजेगा गाड़ी पानी बुताने के लिए। बोलिए जब रोकने बोल रहा तो नहीं रोक रहे हैं हम, सुनी का अति है कि बन्ना गुप्ता का कैंसर आ लेने दीजिए, क्या बोल रहा है काम। तब दिन पहले भी विरोध आप लोग किए थे, तब जिला प्रशासन पीछे हट गई थी, अभी वापस से यहाँ पे हाँ फिर आ गया है। मैंने घड़ी दिवाली घड़ी मैंने माना किए कि नहीं टावर बैठेगा तो नहीं बैठेगा, फिर बन्ना गुप्ता का ऑर्डर दिया है कि हमें नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, तो भी लग रहा है। मैंने इतना समय पूरा बस्ती के मिल के बोल रही है कि नहीं लगेगा, चारों पट्टी घर है बीच में टावर लगेगा, कैसे लगेगा? तो मनिया का गड्ढा ने मार दे और टावर लग जाए, पूरा बस्ती का पूरा डाल दे गड्ढा ने और टावर लगा ले, बस मनी यही चाहते हैं। तो अभी क्या आप लोग के मनी चाह रही है, विरोध है कि मनी का नहीं नहीं लगेगा, मनी कहे कि नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, कुछ भी हो जाए नहीं, कुछ नहीं हो जाए नहीं लगेगा। नाम सरोज देवी जो है सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और जिला प्रशासन के आदेश के आधार पर जो है यहाँ चार जो है टावर लगना है, मोबाइल का टावर लगना है, और मुझे जो है प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के रूप में यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि यहाँ किसी भी तरह का विरोध होता है कुछ होता है तो उसको मैंने जो है विधि व्यवस्था संधारित कर सके। और कुछ लोग अज्ञानता बस जो है इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और कंपनी वाले लोग भी समझा रहे हैं कि इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और ये सुरक्षित भी है, और चूंकि अज्ञानता बस है जो विरोध कर रहे हैं और हमको लगता है कि वो लोग समझ रहे हैं। तीसरी दफ़ा है जब इस तरह से काम जारी होने के बाद बस्ती वासियों का विरोध देखने को मिला है, तो किस तरह से विरोध के बाद भी काम जारी रहेगा और कब तक ये ऐसा सिलसिला चलते रहेगा? देखिए ये आदेश सरकार का गाइडलाइन पे काम हो रहा है, आपको समझने की बात कोशिश कीजिए, ये टावर लगना एक ज़रूरी है और सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, तो विरोध लोग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अज्ञानता बस विरोध कर रहे हैं, हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये आदेश है उसका अनुपालन होने दिया जाए, किसी भी तरह का जो है अवरोध ना खड़ा करें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे किसका टावर लग रहा है? जियो कंपनी का टावर लग रहा है, मोबाइल टावर लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम संजय कच्छप हूँ, मैं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी APMC जमशेदपुर। नहीं होगा, रुक जाएगा काम, तीन लोगों को हम लोग को बात मानना चाहिए, चलो उनसे पूछ करके कार में कोई भी काम करें, हम वह नेता है ना, नेता है ना, मानते हैं हम लोग, मामूली तो नहीं है, वो भी नेता है ना, नेता बन्ना गुप्ता कोई अरू तो नहीं है, नेता है नहीं है, बोलता जानते ही नहीं है, अब DC से लाइए, SDO से लाइए, ऐसे नहीं जानते हैं, डीसी जानते हैं, हम तो जानते हैं। डीसी ऑफिस गिए रहे तो DC साहब नहीं बैठे रहे, थाना गिए तो बोलता जाइए DC पास गिए तो DCA नहीं है, SP पास गिए तो SP बैठा नहीं है। अगर बेचना चाहे तो जमीन बेच दे,
खरीदने वाला बहुत आदमी है, इसको खोल दिया जाएगा, खरीदने वाला हॉस्पिटल खुल जाएगा यहाँ पर, यहाँ कुछ बाल बच्चा की इलाज होगा, तो जो ना तो खतरा घंटी लग जाएगा, स्कूल खुल जाएगा, सब मिलकर आदमी खरीद लेगा यहाँ पर ही, चंदा करके खरीदेंगे, एक आदमी नहीं हमारा औकात खरीदने का, हमारा झोपड़ी औकात कहाँ से आया, तो झोपड़ी है तो चंदा दे कर खरीदेंगे सबको मिलकर, पूरा बस्ती का आदमी चंदा दे कर खरीदेंगे। बता रहे हैं लोग जो टावर का विरोध कर रहे महिला लोग, पहले ही से पूर्व से ये टावर लगने का काम चल रहा है और इसमें खुदाई हो चुकी है और थोड़ा गंदगी है, उसको साफ करके आगे काम चलने के लिए हो रही है। दिवाली के समय भी टावर लगने का काम हुआ था तो यहाँ पर लोगों ने काफी विरोध किया था। हाँ। और अभी सिर्फ सफाई चल रही है। सफाई चल रही है, तो अभी जिला प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिया गया, टावर यही लगेगा? टावर लगाने का SDO साहब का आदेश है, DC साहब का। सर इन लोग जैसे कह रहे हैं कि इन लोग बन्ना गुप्ता से भी मुलाकात किए थे और बन्ना गुप्ता नहीं किया गया। आपका नाम सर? मेरा नाम बिरंदर है। 2019 से यहां पर मोबाइल टावर लगाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन बस्ती वासियों के लगातार विरोध के बावजूद मोबाइल टावर नहीं लग सका है। जिला प्रशासन बस्ती वासियों को समझाने में यहाँ पर बार बार असफल साबित हो रही है और यही वजह है कि सारा कार्य लगभग पूरा होने के बावजूद भी, सारे कागजात पूरे होने के बावजूद भी अब तक यहाँ पर मोबाइल टावर नहीं लग सका है, जिसका विरोध बस्ती वासी लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।